अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, हाउ टू डू की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि अपने टेलीनॉर नंबर के मैसेज जो हैं और कॉल हिस्ट्री उसको किस तरह चेक करना है, आया कि हमारे नंबर से किन दोस्तों या फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स को जो है वो कॉल की गई है और कब कॉल की गई है, कब मैसेज किया गया और कॉल जो की गई है किस टाइम पर, जिस टाइम पर भी की गई है उसका कॉल ड्यूरेशन जो है, कॉल पीरियड टाइम जो है वो कितना है और उसके कॉल चार्जेस जो हैं लागू हैं उस कॉल को कॉल करने पर वो कितने चार्जेस लगे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इस वीडियो में आप दोस्तों को बताऊंगा और शो करवाऊंगा कि वो कहां से और कैसे चेक करना। ठीक है, तो इससे पहले मेरे आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल हाउ टू डू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त साथ में छोटे से अपीयर होने वाले बेल नुमा बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको ज़रूर जाए। ठीक है, आपने सबसे पहले अपने माई टेलीनॉर एप्लीकेशन जो है वो ओपन कर लेनी है। जो भी शख्स अपना एंड्रॉयड मोबाइल जो है वो यूज़ करता है वो बाई इजी तरीक़ा से इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए अपने कॉल हिस्ट्री और एसएमएस हिस्ट्री जो है वो भी चेक कर सकता है और इससे इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत पेचीदा हैं और आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले जो है अपना नंबर रजिस्टर करने के बाद माई टेलीनॉर के राइट साइड के कॉर्नर में एक फ्रिस्क का बटन है, मेन्यू का बटन, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। देन जो है आपने हिस्ट्री के बटन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगी, सबसे ऊपर जो है वो कॉल हिस्ट्री है, नीचे जो है वो एसएमएस हिस्ट्री है। आप जो चाहें वो चेक कर सकते हैं। कॉल हिस्ट्री में सबसे पहले आपको चेक करके दिखाऊंगा, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद हमें एक मैसेज मौसूल हो जाएगा 7861 के नंबर से। ठीक है, रिकवरी पासवर्ड जो है वो यहाँ पर देने के बाद आपने जो है इंटर करना। ये देखिए आपके पास मैसेज भी आ गया है 7861 के नंबर से। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे दो कॉलें मौसूल दो कॉलें मैंने की हैं इन नंबर्स पर 8:48 AM मतलब दिन 8:48 पर सुबह। ठीक है, तो ये कॉल जो है ये मैंने 28 जुलाई 2017 को की है और 2:09 जो है वो इसका टाइम पीरियड है और ज़ीरो जो चार्जेस हैं, चार्जेस इसलिए ज़ीरो यहाँ पे शो रहे हैं क्योंकि मेरा पैकेज लगा हुआ था। ठीक है, तो वो पैकेज फ्री में कॉल हुई है तो इसका कोई चार्जेस यहाँ पे शो नहीं हो रहे। उससे पहले जो कॉल की मैंने की 8:41 पर, उसका टाइम पीरियड जो है वो 15 सेकेंड है। ठीक है, तो इस तरह आप अपने टाइम पीरियड एक मंथ का जो है बैक पे एक मंथ लास्ट डेट के बैक एक मंथ आपका जो है वो आप किसी भी तारीख का जो है वो आप चेक कर सकते हैं। मैं 27 तारीख का चेक करता हूँ। ये देखिए मैंने उससे एक दिन पहले का जो है वो कॉल हिस्ट्री चेक किया है तो ये मेरे पास शो रहा है और हर एक के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है क्योंकि पैकेज हुआ था और टाइम पीरियड जो है वो हर एक कॉल का डिफरेंट है और कॉल भी काफ़ी सारे डिफरेंट नंबर पे अलग अलग नंबर पे मैंने की तो ये सारा जो है यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि एसएमएस हिस्ट्री जो है वो किस तरह चेक करते हैं। उसके लिए आपने एसएमएस के ऊपर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको आप देख रहे हैं कि नो रिकॉर्ड अवेलेबल फॉर दिस डे, इस दिन का जो है कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। तो मैं इसके बैक पे चला जाता हूँ, 27 तारीख को चेक करते हैं कि 27 तारीख को मैंने किन दोस्तों को मैसेज किया है, इसका भी नहीं है। 27 तारीख का दो दिन और बैक चला जाता हूँ और ओके करता हूँ। ये देखिए मैंने 3 नंबर्स पर जो है वो मैसेज किए है, कब किए है वो टाइम यहाँ पे मेंशन है 9:14 पर रात 9:14 पर मैंने इस नंबर पर मैसेज किया और इसका कोई चार्जेस नहीं हुआ क्योंकि पैकेज लगा हुआ था। अगर पैकेज नहीं लगा होगा तो यहाँ पे चार्जेस शो हो गए। कुछ पैकेजेस होते हैं जिन पर टैक्स लागू होता है तो वो यहाँ पे टैक्स सिर्फ शो होगा क्योंकि पैकेज तो कॉल फ्री होगी। ठीक है, तो इस तरह आप इनका चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें अपने अकाउंट का जो है पैकेज डिटेल वो भी आप चेक कर सकते हैं कि कब पैकेज लगाया था और कब जो है उसने एक्सपायर होना है और कितना उसके अंदर डेटा जो है वो अभी आपका बाकी है।
आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपके इंटरनेट एमबीज है वो आपकी 336 जो है वो अभी बाकी हैं, और इसने 13 अगस्त 2017 को जो है वैलिड हो जाना है, ठीक है, तब सॉरी उस तक उस दिन तक जो है ये एक्टिव है, उसके बाद इसने एक्सपायर हो जाना है पैकेज। और इसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि टेलनर मिनट्स हैं, और उसके बाद यहाँ पे अदर नेटवर्क मिनट्स हैं जो मतलब जोंग जैज वारिस जो अदर नेटवर्क्स हैं प्लेटफॉर्म उनके यहाँ पे डेटा जो है वो उनका शो हो रहा है कि 94 मिनट्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, और इसका पैकेज लास्ट डेट जो है 13 अगस्त 2017 तक है, उसके बाद इसमें एक्सपायर हो जाना है। इसी तरह आप मैसेजेस का देख सकते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं आपने पैकेजेस की डिटेल हिस्ट्री ये आप फ्री में चेक कर रहे हैं, जबकि आप नंबर डायल करके कोड डायल करके आप चेक करते हैं तो वहाँ पे आपका टैक्स लागू है वो आपके अकाउंट बैलेंस में से चार्ज कर लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं तो ये आपके कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। तो मेरा आप तमाम दोस्तों को मशवरा है, अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं अच्छे से अच्छे वाला मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उससे फ़ायदा उठाइएगा, अपने मोबाइल के अंदर जो है अच्छी अच्छी एप्लीकेशन है जो आप यूज़ करते हैं, जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का इस्तेमाल है, मामूल है, उनको ज़रूर मतलब इंस्टॉल करें और उससे फ़ायदा उठाएँ जितना फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि फजूल खर्ची वैसे भी नाजायज़ अमल है, ठीक है, फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो जो है वो आप दोस्तों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, खुदा हाफिज़।